मंत्री पंजाब सुखजिंदर रंधावा ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो गुंडे बदमाश हैं इनको प्रसिद्धि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल भेजने के फैसले पर कहा कि गुंडे बदमाशों को ग्लोरीफाई करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज्यादा टाइम दे दिया है, अगर 1 दिन का टाइम भी देते तो हम उसको ट्रांसफर कर देते। हमारे जेल डिपार्टमेंट में ना कोई आदमी अपनी मर्जी से अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। उन्होंने कहा कि जब भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह उसको इमीडिएट उसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या पहले बाइट नहीं देनी हमने मैं जड़ को कला कला जड़ सिंगल सिंगल सर वो नहीं एक मिनट अपन लाइव मैच करा देंगे ना जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर जो है यूपी को सौंप दिया जाए, इधर किस तरह से दिखती है? पहली बात तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जो गुंडा और बदमाश है तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मीडिया है इन गुंडों और बदमाशों को इतना ग्लोरीफाई ना करें। ये कोई बहुत नेशनल इवेंट नहीं है, ये एक बदमाश की जेल की बदली है। तो ऐसी बातों को जब हम लेकर जाते हैं तो जो यंग हमारा है वो अट्रैक्ट होता है। तो आपसे भी कहूँगा कि इन गैंगस्टर गुंडों की इतना ग्लोरीफाई करना बंद करें। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज़्यादा टाइम दिया, अगर 1 दिन का भी देते तो हम उसी दिन इसको रिहा कर देते, जेल में ट्रांसफर कर देते। शुरू से तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, मेरा जेल डिपार्टमेंट क्या है, ये होम डिपार्टमेंट का काम है, होम डिपार्टमेंट पुलिस का ये कोई केस था तो कोर्ट ने जुडिशल रिमांड देकर उसने भेज दिया जेल में। जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर रख सकता है ना किसी को बाहर ले जा सकता है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट आपको मेडिकल रिपोर्ट उसने लिख कर दिया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट हमने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की सिविल सर्जन की बिल्कुल नहीं मानी, जहाँ SMO की जहाँ हमारे जेल डिपार्टमेंट ने जे PGI को रेफर कर दिया था, वहाँ बोर्ड बनता है, PGI की रिपोर्ट के मुताबिक जो उसके बोर्ड के मुताबिक उसको आगे वो भेज दिया जाता था। लेकिन जो विपक्ष है आपका श्रोमणी अकाली दल ये कह रही है कि सरकार की मंशा क्या थी, पहले तो केस लड़े, ये तो मंशा तो सरकार की ना पहले गलत थी। मैं एक बात आपको अकाली दल को पूछना चाहता हूँ कि उनके टाइम में गैंगिज्म आया, उनके टाइम में नार्को जरा है टेररिज्म आया, हमारी गवर्नमेंट ना पहले ना आज, हमने अभी कल पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो एक्शन किया है वो उनको हमने शीशा दिखा दिया है अकाली दल को। लेकिन हमेशा से आरोप ये लगते रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचाने की कोशिश करती रही। देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो जेल डिपार्टमेंट जो है वहाँ ना कोई आदमी अपनी मर्जी से अंदर आ सकता है ना कोर्ट की मर्जी से बाहर जा सकता है। नवाज़ा सवाल ये है कि पंजाब सरकार उसको यूपी भेजने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्या ये फैसला एक्सेप्ट करेगी या चैलेंज करेगी? बिल्कुल मेरे पास, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा मैं लागू करूंगा जेल डिपार्टमेंट। अगर होम मिनिस्ट्री मना, वो उनसे पूछिए, मेरे डिपार्टमेंट जो ऑर्डर मेरे पास आएगा मैं विद इन 9 सेकंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करूंगा। साहब अकाली दल और आम आदमी पार्टी ये कह रहा है कि ये सरकार के लिए शर्म की बात है, पहले ही उनको दे देना चाहिए था, इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मेरा जो जेल डिपार्टमेंट है वो ना किसी को अंदर ले जा सकता है ना किसी को कोर्ट के ऑर्डर के बगैर बाहर कर सकता है। मैं तो कोर्ट जे हमारा जो जेल डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टली कोर्ट के साथ इसका है, हमारे पास जो कोर्ट आदेश देती है कि इस आदमी को हमने अंदर भेज दिया वो अंदर रह जाता है, जिसको बोल देते हैं कि हमने रिलीज कर दिया जब बेल दे दी वो जेल से बाहर चला जाता है। रंधावा साहब अब दो हफ्ते का टाइम दिया गया, क्या पंजाब पुलिस भी अपनी सिक्योरिटी साथ में भेजेगी यूपी? ये मेरे को मेरा काम सिर्फ अपनी ड्योढ़ी तक है, जो अंदर की ड्योढ़ी है वहाँ हैंड ओवर करने के पंजाब पुलिस आएगी, यूपी पुलिस आएगी, वो हमारा डिपार्टमेंट बार के गेट के बाहर भी नहीं हैंड ओवर करेगा, इनसाइड जेल उनको हैंड ओवर कर देगा। ठीक है चलो चाय पी लो, मैं MLA साहब ठीक है।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।